चकोला केक के लिए पहले हम 1.5 कटोरी जितना मैदा लेंगे। मैंने तकरीबन 1.5 कटोरी लिया है और उतनी ही आइसिंग शुगर डालेंगे। मेरे पास कोको पाउडर है, इसको मैंने 1.5 कटोरी जितना लेना है ये 1 कटोरी डालती हूँ। और ये बेकिंग सोडा, इसको हम पहले छान लेंगे। ये हमने अच्छे से छान लिया है, अब हम इसके अंदर बटर मिक्स करेंगे। हम एग नहीं डाल रहे इसलिए हम बटर डालेंगे, तो इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया गया। 2 से 2.5 स्पून जितना ही बटर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बटर अच्छे से मिक्स हो गया है और मैंने ओवन को भी 300 डिग्री पे हॉट प्री हीट करने के लिए रख दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसकी मलाई इसके अंदर नहीं डालना है, सिर्फ दूध ही जाए। ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके दूध मिला लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी लिक्विड रखी है। चोको लावा केक हमें बनाना है तो इसके लिए थोड़ी कंसिस्टेंसी जो नॉर्मल केक बनाती है इससे थोड़ी पतली होती है, जिससे इसके अंदर से लावा जैसा बनता है। ये मैंने जो सिलिकॉन ऐसे चोको लावा केक के मोल्ट आते हैं उसको ग्रीस करके रखा है बटर से। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हाफ तक ये भर लेंगे, जिससे फूलने के बाद पूरे ये मैंने मोल्ट में भर ली है। अब हम इसको ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये हमारे कपकेक रेडी हैं, अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारे कपकेक रेडी हैं, इसको आप गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और ठंडे भी खा सकते हैं। आज हम बनाएंगे चॉकलेट कपकेक।